आज का टॉपिक है यूट्रस। यूट्रस को कंप्लीट करेंगे इन 11 हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यूट्रस का मतलब क्या है। उसके बाद शेप, नॉर्मल पोजीशन, एंगुलेशन। उसके बाद इसकी कम्युनिकेशंस, पार्ट्स ऑफ यूट्रस, लिगामेंट, ब्लड, वेने, लिम्फ। उसके बाद एज के साथ में इसके साथ क्या चेंजेस होते हैं यूट्रस के साथ। और लास्ट में देखेंगे सपोर्ट ऑफ यूट्रस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्लिनिकल। तो डेफिनेशन, यूट्रस क्या है? एक चाइल्ड बियर ऑर्गन है जो कि ह्यूमन फीमेल्स, या फिर मैं बोलूँ फीमेल्स के अंदर होता है, और जो कि लाई करता है किस किस के बीच में। सामने क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, और पीछे क्या है? रेक्टम है। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन जो है फीमेल्स के अंदर, उसको बोलते हैं यूट्रस। जैसे कि अगर एनाटॉमिकली देखें तो आगे पिबिक सिम्फाइसिस होती है, उसके बाद अपना ये है यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद आता है अपना यूट्रस, और पीछे आती है रेक्टम, और बाद में आती है वर्टिब्रल कॉलम की ये कोकिक्स, सैक्रम कोकिक्स वगैरह। ये इसकी एंटीरियर टू पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होती है नॉर्मल वुमेंस में, फीमेल्स में। तो डेफिनेशन समझ में आई क्या है? उसके बाद शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का क्या मतलब होता है? पीयर शेप का, ठीक है, पीयर शेप की दिख रही है। ये यूट्रस है एक तरीके से, ये यूट्रस का डायग्राम बनाया मैंने, तो पीयर शेप का दिख रहा है। उसके बाद नॉर्मल पोजीशन एंड एंगुलेशन, उसके लिए मैंने ये पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाया कि नॉर्मल पोजीशन क्या है और इसका एंगुलेशन क्या है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ऐसा अगर एनाटॉमिकली एक बार क्वेश्चन माइंड में आता है कि नीचे वजाइना है, उसके ऊपर सर्विक्स है, उसके ऊपर यूट्रस है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नीचे क्यों नहीं गिर रहा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे सपोर्ट ऑफ यूट्रस में। उसी में एक चीज़ होती है एंगुलेशन की, ये कि तीन चीज़ें ऊपर से नीचे तो हैं, नीचे से ऊपर तो हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, उनके बीच में कुछ एंगल है। तो ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और ये वजाइना है। तो यहाँ पर दो एंगल होते हैं, एक वो एंगल बनाए मैंने। सबसे पहला एंगल बता रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन का एंगल जो होता है वो होता है यूट्रस और सर्विक्स के बीच में, ये एंगल, ये होता है 125 डिग्री। क्या होता है? एंटी फ्लेक्शन जो एंगल है वो है बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच का एंगल है, जो है 125 डिग्री नॉर्मल फीमेल में। और एंगल ऑफ एंटीवर्जन क्या है? एंगल ऑफ एंटीवर्जन है एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना, जो होता है 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ? सर्विक्स एंड वजाइना के बीच का एंगल, जो कि है नॉर्मल 90 डिग्री। ये हो गई एंगुलेशन की बात। नॉर्मल पोजीशन बता दी कि नॉर्मल पोजीशन ऐसी होती है इसकी, नीचे वजाइना, आगे ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, आगे पिबिक सिम्फाइसिस होती है, पीछे रेक्टम होता है, और उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रम वाला हिस्सा होता है। तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन और इसका एंगुलेशन। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो दो तो होती हैं इसके अंदर, लेटरल ओपनिंग और एक होती है इन्फीरियर ओपनिंग। तो लेटरल ओपनिंग का जो नाम बोल रहा हूँ वो फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब बोलते हैं, ये अपनी स्टर्नम सॉरी बॉडी ऑफ यूट्रस है, और इससे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रही है इसी को बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब। यूट्राइन, यूरेटर, यूट्रस एंड यूरेथ्रा, इनमें कभी डिफरेंस मत होना, सॉरी कन्फ्यूज मत होना। क्या बोला मैंने? यूरेटर, यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस, यूरेथ्रा, थोड़े सिमिलर से वर्ड हैं, लेकिन यूरेटर का मतलब होता है वो ट्यूब जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में है, जो कि यूरिन के लिए, यूरिन के ड्रेनेज के काम में आती है किडनी से। यूट्राइन ट्यूब का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब, वो ट्यूब जो कि ओवरी और यूट्रस के बीच में प्रेजेंट है। यूट्रस क्या है उसकी डेफिनेशन में पहले बोल चुका हूँ। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा होती है एक्सटर्नल ओपनिंग, यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल ओपनिंग जो अपनी यूरिन के लिए होती है वहाँ तक की जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। उसमें भी डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में, वो फिर कभी। तो लेटरल बताया मैंने कि दो लेटरल ओपनिंग है इसके अंदर, जो कि क्या क्या है अपनी, दोनों यूट्राइन ट्यूब हैं, और एक इन्फीरियर ओपनिंग है। इन्फीरियर क्या है? सर्विक्स है, ठीक है। तो इन्फीरियर में आ गए सर्विक्स और ये आ गई यूट्राइन ट्यूब, और दो यूट्राइन ट्यूब हो गई। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, पार्ट्स ऑफ यूट्रस में सबसे पहला आता है फंडस। फंडस वो वाला हिस्सा है
जो कि फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर ओपन होती है यूट्रस में, उससे ऊपर वाले हिस्से को फंडस बोलते हैं, उससे नीचे वाले हिस्से को बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं, और उसके नीचे वाले हिस्से को सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, पार्ट्स ऑफ यूट्रस के अंदर। अब बात करूँ लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस में दो टाइप के लिगामेंट आते हैं। नंबर एक पेरिटोनियल लिगामेंट। पेरिटोनियम क्या है, एब्डोमिनल विसरा जो है उसकी लेयरिंग है, जैसे कि लंग्स के लिए प्लूरा होती है, हार्ट के लिए पेरिकार्डियम होती है, ऐसे ही सभी एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए सिर्फ एक कॉमन है रख दी कवरिंग, जिसको बोल दिया पेरिटोनियम। तो उसी पेरिटोनियम की फोल्ड हो जाती है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट। तो पेरिटोनियल लिगामेंट हो गए एक तो, और एक हो गए फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। तो पेरिटोनियल लिगामेंट में आ गया यूट्रो वेसाइकल फोल्ड, वो फोल्ड पेरिटोनियम का जो कि यूट्रस और वेसाइकल, वेसाइकल यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को बोला है। तो यहाँ पर मान लो ऊपर पेरिटोनियम है, क्योंकि ये पेल्विस वाला हिस्सा है, इससे ऊपर क्या है एब्डोमन है, तो एब्डोमन वाली जो पेरिटोनियम थी वही नीचे आ गई, और यहाँ पर आ करके वेसाइकल मान लो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में एक फोल्ड बनाया, जिसको बोल दिया क्या यूट्रो वेसाइकल फोल्ड। ठीक है, और फिर ये पीछे की तरफ एक्सटेंड हुई और पीछे की तरफ फिर से ऐसे घूमी, तो रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो फोल्ड बना उसको बोल दिया रेक्टो वेजाइनल फोल्ड। वेजाइना भी तो इधर ही है, या फिर इसको बोल दो रेक्टो यूट्रल फोल्ड भी बोल सकते हैं, या पाउच भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है अपना ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या है कि ये जो यहाँ पर जो पेरिटोनियम आती है और ये जो पीछे की तरफ से पेरिटोनियम आ रही है, ये एक तरीके से इस यूट्रस को पूरी को कवर कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पूरी पेरिटोनियम के पीछे भी एक फोल्ड बन गया पेरिटोनियम का, आगे भी एक फोल्ड बन गया, जिनके बीच में क्या है यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब और ये ओवरी सब कुछ आ गया, तो उसको क्या बोलती है ब्रॉड लिगामेंट। वो दो हो गए, एक इस तरफ लटकता झूलता मिलेगा अपने को, एक इस तरफ लटकता झूलता मिलेगा, तो वो क्या है दो राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट हो गए। अच्छा, उस ब्रॉड लिगामेंट के भी अपन ने पार्ट कर दिए, क्या पार्ट मतलब पार्ट नहीं बोल गए, इनको ये बोल सकते हैं इनकी कहीं किसी किसी जगह पे वो मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई कैसे हुआ, तुम्हें पता है कि जो ओवरी होती है और जो यूट्रस होती है ये एक लेवल में नहीं है, मतलब अगर इनको साइड में से देखें तो ये एक प्लेन में नहीं दिखती, ये ओवरी जो होती हैं वो थोड़ी सी पीछे की तरफ होती हैं, तो पीछे की तरफ ये हैं, तो सबसे पीछे है ओवरी, उसके ऊपर की तरफ है यूट्राइन ट्यूब, या फिर इसको बोल दो फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और सबसे आगे क्या है मेरा मतलब अपनी यूट्रस है, ये तीन चीज़ें ऐसे हैं। तो वो वाला हिस्सा पेरिटोनियम या ब्रॉड लिगामेंट का जिसने कवर कर रखा है ओवरी को, उसको बोलते हैं मीजो वेरियम। किसको फोल्ड कर रखा है ओवरी का, तो ये वाला जो फोल्ड है ये ब्रॉड लिगामेंट बोले तो क्या है पेरिटोनियम की फोल्डिंग है, आगे की तरफ फोल्डिंग है, पीछे की तरफ फोल्डिंग है, और वो फोल्डिंग को मतलब मैं इसी चीज़ को साइड में से देख रहा हूँ, तो मेरे को सबसे आगे दिखी क्या यूट्रस, उसके पीछे दिखी क्या यूट्राइन ट्यूब, और सबसे पीछे दिखी ओवरी। तो ओवरी वाले हिस्से को इसने ऐसे कवर किया और यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन हो गई, या मतलब उसको स्पेशल नाम दे दिया जिसका बोला मीजोवेरियम। उसके बाद होया मीजोसेल्पिंग्स। मीजोसेल्पिंग्स किसके लिए यूज किया गया, फेलोपियन ट्यूब वाले हिस्से को जो कवरिंग की जो ये दो फोल्ड बन रहे हैं इसी को बोल दिया क्या मीजोसेल्पिंग्स। ठीक है, और तीसरी चीज़ है मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम है ये कि यूट्रस से पहले जो फोल्ड बना है, मतलब पीछे पीछे ओवरी थी, इस पहले फोल्ड आया उसने ओवरी को कवर किया पहले, उसको बोला मीजोवेरियम, उसके बाद थोड़ा और आगे आया तो फेलोपियन ट्यूब मिली, उसको कवर किया उसका मीजोसेल्पिंग्स, उसके बाद अभी यूट्रस आ रही है, तो यूट्रस से पहले जो फोल्ड बना उसको क्या बोल दिया मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम किसके लिए हुआ यूट्रस के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये क्या अपन ने क्या पढ़ लिया पेरिटोनियल लिगामेंट, कि पेरिटोनियम की ही मॉडिफिकेशन होकर इसने तीन लिगामेंट बना दिए, तो दो लिगामेंट या दो फोल्ड तो ये कह लो कि एक तो हो गया अपना यूट्रो वेसाइकल और दूसरा रेक्टो वेजाइनल। ठीक है, ये दो हो गए, तीसरा पड़ा ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट की तीन मॉडिफिकेशन। अब बात करते हैं फाइब्रस लिगामेंट की, तो फाइब्रस लिगामेंट में सबसे पहला हुआ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या काम करता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बॉडी ऑफ स्टर्नम सॉरी बॉडी ऑफ ये क्या बोलते हैं इसके फंडस वाले हिस्से से ऐसे निकलता है और सामने की तरफ ऐसे आता है, तो सामने की तरफ आया तो इसने अपने यूरिनरी ब्लैडर को कवर किया, पिबिक सिंफाइसिस को कवर किया,
और इधर जब ये लेबिया मेजोरा माइनोरा आ जाती हैं इधर, ये वजाइना है, वजाइना के ऊपर क्लाइटोरिस होगा और साथ में लेबिया मेजोरा माइनोरा होगी, उसी के ऊपर सबक्यूटेनियस एंडिंग होती है इसकी, किसकी, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो कहाँ से निकला, यूट्रस से निकला, एंटीरियरली ट्रेवल किया, ये इंग्वाइनल कैनाल से के थ्रू ट्रेवल हो गया था। इसका डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा मैं जब सपोर्ट ऑफ यूट्रस पढ़ाऊंगा तब। ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ यूट्रस का क्या मतलब है कि इसको 3D में इमेजिन करो कि यूट्रस बीच में है, इसी यूट्रस को चारों तरफ से एक लिगामेंट ने कवर कर रखा है और साइडों में इसको चिपका रखा है, बॉडी पेल्विक वॉल से चिपका हुआ है एक तरफ से और दूसरी तरफ बॉडी ऑफ यूट्रस से चिपका हुआ है, एक सर्कुलर लिगामेंट बन गया, उसी को बोल दिया ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रस और पीछे क्या है, अब मान लो ये यूट्रस हो गई अपनी सर्विक्स वजाइना, इसके पीछे रेक्टम, इसके पीछे सैक्रम, ठीक है। तो यूट्रस से लेके सैक्रम तक एक लिगामेंट जा रहा है, उसी को क्या बोला, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो ये अपन ने दो टाइप के लिगामेंट पढ़े, तो लिगामेंट ऑफ यूट्रस में कितने टाइप के लिगामेंट आए, दो टाइप के आ गए, एक पेरिटोनियल लिगामेंट, एक फाइब्रस लिगामेंट। पेरिटोनियल लिगामेंट ये तीन, फाइब्रस लिगामेंट ये तीन, इनको बाद में भी डिस्कस करेंगे सपोर्ट ऑफ यूट्रस में, तीनों को अलग से प्रॉपर डायग्राम के साथ, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात, अपन आ चुके थे लिगामेंट ऑफ यूट्रस तक, उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। तो इसमें सीधी सी बात है, दो, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, दो यूट्राइन आर्टरी होती हैं और एक ओवेरियन आर्टरी होती है। ये हो गई ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ना बोल के यहाँ पे आर्टरियल सप्लाई लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि वेन सप्लाई अलग से लिख रहे हैं अपन। तो आर्टरियल सप्लाई में दो यूट्राइन आर्टरी है, एक ओवेरियन आर्टरी है, वो ब्रॉड लिगामेंट के अंदर ही आ जाती है। ब्रॉड लिगामेंट के अगर कंटेंट जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सब चीज़ें ब्रॉड लिगामेंट के अंदर ही प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि यूट्रस खुद ही ब्रॉड लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी और ब्लड वेसल जो भी हैं वो उसके अंदर ही प्रेजेंट होंगी। वेनस ड्रेनेज की अगर बात करूँ तो वो वेनस प्लेक्सिस बनता है अराउंड बॉर्डर ऑफ यूट्रस। तो बॉर्ड, ये अपनी यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस का वाला पार्ट मतलब ये, और इसी का जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर क्या होता है, अच्छा ये बात मैं यहाँ पर बताने भूल गया, पार्ट्स ऑफ यूट्रस में इसके दो बॉर्डर भी होते हैं। तो मैंने फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ये तीन चीज़ें बताई थी उस टाइम पे, साथ में ये भी ध्यान में रखो कि इसके दो बॉर्डर होते हैं जो लेटरल बॉर्डर होते हैं। क्यों दो बॉर्डर लेटरल साइड में बॉर्डर क्यों बने, क्योंकि आगे है अपना यूरिनरी ब्लैडर और पीछे है रेक्टम, तो दोनों में चीज़ें एक्सपेंड होती रहती हैं, रिलैक्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर किसके ऊपर बना है, यूट्रस के ऊपर, जिसकी वजह से ये पिचक गई, आगे से यूरिनरी ब्लैडर पीछे से रेक्टम पिचक गई, पिचक गई तो साथ साइड में दो लेटरल बॉर्डर बन गए। तो इसी में पार्ट्स ऑफ यूट्रस में मैंने क्या बताया, एक तो फंडस लिखना है, उसके अलावा अपने को लिखना है बॉडी, उसके अलावा लिखना है सर्विक्स, ठीक है, उसके अलावा लिखना है दो इसके क्या होते हैं, बॉर्डर होते हैं, राइट और लेफ्ट होते हैं, और दो ही अगर दो बॉर्डर हैं तो दो सरफेस हो गए। सरफेस कौन से हुए, एक एंटीरियर हो गया और एक हो गया पोस्टीरियर, ठीक है। तो इतनी बात में यहाँ पे मैं वेनस ड्रेनेज की बात कर रहा था, तो इसमें ये लिखना है कि वेनस प्लेक्सिस बनता है अराउंड बॉर्डर ऑफ यूट्रस, ठीक है, वेनस ड्रेनेज की बात हो गई। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज आसान है, कैसे आसान है, तुम्हें यहाँ पर अगर तुम्हें ओरटा याद हो, पहली बात तो ये है कि जब भी तुम्हें लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात की जाए तो उसी ऑर्गन या उसी मसल की आर्टरी देखो तुम, तुम्हें ये पता है कि आर्टरी को कौन फॉलो करती है, वेन, लेकिन जो लिम्फ जो होता है वो आर्टरी को फॉलो करता है, वेन को फॉलो नहीं करता। तो अगर अगर दोनों के नाम में डिफरेंस है, किसी जगह की सप्लाई की नाम में डिफरेंस है आर्टरी और वेन के, तो वहाँ पर किसके लिए ऊपर जाओ, आर्टरी के नाम के ऊपर, क्योंकि जो लिम्फ नोड होते हैं वो आर्टरी को फॉलो करते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिम्फ नोड होते हैं। तो उससे पहले एक बात समझो कि जो एब्डोमिनल अरोटा होती है, ये चीज़ें बता चुका हूँ, एब्डोमिनल अरोटा होती है वो सबसे ऊपर, सबसे पहले क्या निकले, असेंडिंग अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा, फिर एब्डोमिनल अरोटा। तो एब्डोमिनल अरोटा एट द लेवल ऑफ L4 किस में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी में। राइट और लेफ्ट कॉमन इलियाक में डिवाइड हुई और फिर ये आगे जाके इंटरनल और एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी में बनते हैं। तो ये हो गई मान लो मेरी इंटरनल इलियाक आर्टरी और ये हो गई एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, और फिर यहाँ पे क्या आया,
यहाँ पे आया इंग्वाइनल लिगामेंट। तो जो एक्सटर्नल इंग्वाइनल एक्सटर्नल इलिया कार्टरी जो है वो जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो ये टांग में पहुँच जाती है, फिर उसको नाम दे दिया जाता है फीमरल आर्टरी। एक्सटर्नल इलिया कार्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो ये किस में बन जाती है, फीमरल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, फीमरल आर्टरी में नामकरण हो जाता है इसका। लेकिन जो इंटरनल इलिया कार्टरी है इसका जो मेन मकसद क्या है वो ये है कि ये सभी पेल्विस वाली चीज़ों को ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी ओवेरियन आर्टरी ये इंटरनल इलियाक आर्टरी की ही ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज की जब बात करूँ तो वहाँ पर आएगा नाम सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इंटरनल एक्सटर्नल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। उसके अलावा यहाँ पे पीछे सैक्रम है तो सैक्रल लिम्फ नोड। दूसरा इंग्वाइनल को कैसे याद रख सकते हो, इंग्वाइनल को ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बताया था मैंने वो किस में ट्रैवल करता है, मैंने बोला ना आगे जाता है तो किस में ट्रैवल करके जाता है, वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जाता है। इंग्वाइनल कैनाल कहाँ होती है, इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे होती है, इन बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल रिंग्स। तो यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात हो गई। अब बात करूँ कि एज के साथ में एज एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, एज के साथ में क्या चेंजेस आते हैं यूट्रस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ के अंदर जो यूट्रस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है क्योंकि बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट चल रही होती है, प्यूबर्टी से पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं होती, तो फीटल लाइफ में बहुत स्मॉल साइज की होती है। प्यूबर्टी के अंदर आते ही इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्सपेंड होती है यूट्रस। उसके बाद बात करें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तो हाइपरप्लेशिया होता है, फिर डिसप्लेशिया होता है। हाइपरप्लेशिया में इसके नंबर बढ़ जाते हैं तो जो अपनी एंडोमेट्रियम तो एंडोमेट्रियम बनती है, हर 28 डेज के बाद शेड ऑफ हो जाती है, वो चलता रहता है। किसकी बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी हाइपरट्रोफी होती है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है, हाइपरट्रोफी किस चीज़ की, मसल्स ऑफ यूट्रस, तो हाइपरट्रोफी। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ट्रोफी का मतलब होता है साइज, कोई सेल अगर साइज में बढ़े तो उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं और अगर कोई सेल नंबर्स में बढ़े तो उसको हाइपरप्लेशिया बोलते हैं। ओल्ड एज में जाके क्या होता है, ओल्ड एज में एट्रोफी हो जाती है, क्यों, क्योंकि आफ्टर 25 मेनोपॉज हो जाता है, 45 से 55 के बीच में मेनोपॉज हो जाता है जिसके कारण फिर ये कोई यूज नहीं रहता, जिसके कारण एट्रोफी हो जाती है इस चीज़ की। तो ये बात हुई एज एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस। उसके बाद सपोर्ट ऑफ यूटरस की बात करेंगे, उसके लिए मेरे को सब रब करना पड़ेगा, तो क्लिनिकल पॉइंट देख लेते हैं कि इसके क्या है। क्योंकि जो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं फीमेल्स के अंदर वो होती हैं सर्वाइकल पैप्समियर करना पड़ता है उसके लिए, क्यों, क्योंकि देखो हाइजीन की समस्या होती है इंडियन वुमेंस के अंदर, हाइजीन की लेके मिथ बनी रहती हैं, जो अपनी मेंसिस को लेके मिथ बनी रहती हैं कि ये करना है वो करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, जिसकी वजह से क्या होता है इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और अगर इन्फेक्शन हुआ तो सर्विक्स तक जाता है, और सर्वाइकल कैंसर जो है सर्विक्स के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो इंडिया के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब रेट से फैलता है सर्वाइकल कैंसर। उसके अलावा यूट्रस का कैंसर हो सकता है, उसके अलावा ओवेरियन का कैंसर हो सकता है, और अगर ये सपोर्ट ऑफ यूट्रस अगर ढंग से काम ना करें तो किसी किसी फीमेल के अंदर रेयर होता है, लेकिन ये जो वेजाइना और जो पूरी यूट्रस है ये बाहर की तरफ प्रोलैप्स हो जाती है, क्योंकि इसके ये एक तरीके से एंटी ग्रेविटी पोजीशन में इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो अगर सपोर्ट ऑफ यूट्रस अगर वीक हुआ किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ही तो ये चीज़ वेजाइना के थ्रू नीचे प्रोलैप्स हो जाएगी। तो वो ये सब चीज़ें अपन क्लिनिकल पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। अब इस सब को रब करके देखते हैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस। तो सपोर्ट ऑफ यूट्रस में होता है प्राइमरी सपोर्ट, सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट मतलब मेन सपोर्ट जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा उसका लगभग मतलब 80-90% उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सपोर्ट मतलब पार्शियली सपोर्ट, ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है जो चीज़ों। इसके देखते हैं अपने को ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, वेसिको यूट्राइन पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच। मैंने इसको कैसे याद किया था कि मूवी देखने जाते हैं पीवीआर में,
तो पीवीआर को मैंने बनाया था बीवीआर, कि बीवीआर इसकी ट्रिक है। तो बी से ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, वी से वेसिको यूट्राइन पाउच, आर से रेक्टो यूट्राइन पाउच। नाम क्या है ब्रॉड लिगामेंट मैं पहले बता चुका हूँ, वेसिको यूट्राइन पाउच मतलब ये है कि यूरिनिल, देखो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आगे क्या है पिबिक सिम्फाइसिस है, पीछे क्या है वर्टिब्रल कॉलम, ये सैक्रम वाला हिस्सा है, और ये क्या है यूरिनिल ब्लैडर, यूट्रस, और ये है अपनी रेक्टम। तो वेसिको यूट्राइन पाउच का मतलब ये है कि यूरिनिल ब्लैडर और यूट्रस के बीच के में जो पेरिटोनियम का जो फोल्ड बन रहा है उसको बोल दिया वेसिको यूट्राइन पाउच। तो ये क्या है दो नंबर मेरा, और ये क्या है तीन नंबर, क्योंकि तीन नंबर का नाम क्या है रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टम और यूट्रस के बीच का पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक है, तो सेकेंडरी सपोर्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं प्राइमरी सपोर्ट की। तो प्राइमरी सपोर्ट में एक तो फाइब्रो मस्कुलर सपोर्ट होता है, एक फाइब्रो मस्कुलर सपोर्ट होता है। मस्कुलर सपोर्ट मतलब सिर्फ मसल्स आएंगी, फाइब्रस मतलब इसमें लिगामेंट्स वगैरह चीज़ें आएंगी, इसी को मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं, इसको एक्टिव सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, पीपीटी होता है एक, उसी को मैंने लिख दिया पीपीडी, पेल्विक डायफ्राम। जैसे थोरेक्स और एब्डोमन को डिवाइड करने के लिए वहाँ पे थोरेसिक डायफ्राम होता है, वैसे ही एब्डोमन और पेल्विस को डिवाइड करने के लिए सोचो कि वहाँ पे होगा पेल्विक डायफ्राम, जिसके अंदर दो मसल्स की अटैचमेंट होती है, लीवर ट्रेनी और कोक्सीजियस। नाम याद रखो तो रखो वरना भूल जाओ। दूसरी चीज़ होती है पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी क्या होती है, पेरिनियल बॉडी होती है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। वो फाइबर मस्कुलर बैंड, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे सिर्फ बहुत सारी लगभग 10 मसल्स की अटैचमेंट होती है। ये क्या है एरिया बिटवीन वजाइना एंड रेक्टम और एनएस, एनएस और वजाइना के बीच में जो मस्कुलर बैंड है उसको बोला पेरिनियल बॉडी। और मेल्स में क्या हो जाएगा, मेल्स में जाएगा टेस्टिस और एनएस के बीच में जो मसल्स का जो बैंड है उसको बोल दिया पेरिनियल बॉडी। तो पेरिनियल बॉडी की खास बात यह है कि इसके अंदर 10 मसल्स होती हैं, और अपने वो 10 मसल्स के नाम भी याद रखने हैं। इसके अलावा है डिस्टल यूरेथ्रल स्पिंटर मैकेनिज्म। इससे क्या होता है, ये है क्या चीज़, डिस्टल यूरेथ्रल स्पिंटर, यूरेथ्रल स्पिंटर मतलब यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जब यूरिनेट करते हैं उसके बाद में अपन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यूरेथ्रल जो स्पिंटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यूरिनेशन करने के बाद। तो उस टाइम पे क्या होता है यूरेथ्रल स्पिंटर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आसपास की पेल्विक मसल्स को भी वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो पेल्विक मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक तरीके से ये समझो कि यहाँ इस वाले हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इस पूरे वाले हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो एक तरीके से सपोर्ट ही है, इन चीज़ों को नीचे गिरने से बचा रहा है। तो उस तरीके से तो ये तीन क्या हो गई अपनी एक्टिव सपोर्ट या फिर मस्कुलर सपोर्ट की मसल्स हैं, बस मसल्स का रोल है। इसमें स्पिंटर की मसल्स आ गई, इसमें पेरिनियल बॉडी खुद में 10 मसल्स की 10 मसल्स कैरी करती है, और ये क्या है पेल्विक डायफ्राम में अपनी लीवर ट्रेनी और कोक्सीजियस दो मसल होती है। अब बात करते हैं फाइबर मस्कुलर या मैकेनिकल सपोर्ट की। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी फर्स्ट ईयर में था मैं जब यही थी पुत्र बनाई थी। पी से पिब्बो सर्वाइकल लिगामेंट, यू से यूट्राइन एक्सिस यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, टी से ट्रांसवर सर्वाइकल लिगामेंट, आर से राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये ट्रिक बनाई थी। अच्छा, इसको डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। यूट्राइन एक्सिस जो मैंने स्टार्टिंग में जो अपनी सेकंड या थर्ड हेडिंग थी जिसमें मैंने एंगुलेशन की बात कर रहे थे, नॉर्मल पोजिशन एंड एंगुलेशन, वहाँ पर बताया था एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन एंड एंटी वर्शन, वही वाली चीज़ यहाँ पे है। यूट्राइन एक्सिस का मतलब यही है कि जो वजाइना की जो एक्सिस है और यूट्रस की जो एक्सिस है वो एक लाइन में नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ नीचे गिरने से बच रही है, एक तरीके से ऐसा समझो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, प्यूबो मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब प्यूबिस बोन है, हिप बोन की तीन बोन होती हैं इलियम इस्चियम प्यूबिस। तो प्यूबिस जो होती है वो आगे की तरफ होती है, सबसे आगे एंटीरियर मोस्ट, कोक्सीजियस जो सॉरी इस्चियम जो होती है वो सबसे पीछे होती है। तो आगे प्यूबिक होती है, पीछे इस्चियम होती है, और साइड में अपने यहाँ पर जो ये क्रस्ट सा फील होता है ये क्या होता है इलियम होता है। तो आगे क्या होता है प्यूबिस। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस से लेकर के सर्विक्स तक एक लिगामेंट है। तो सर्विक्स से लेके ये आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यहाँ तक जो ये लिगामेंट है इसका नाम क्या है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, मतलब नंबर दो। ठीक है, नंबर दो यहाँ से ध्यान में रखना, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। आगे क्या है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का मतलब क्या है, सर्विक्स को ऐसे सर्कुलर
फ्रेम में चारों तरफ से अटैच है एक लिगामेंट, और उसको लेटरल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रहा है किसको, सर्विक्स को, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। तो ये है नंबर थ्री अपना, कि इसको चारों तरफ से इनसर्कल कर रहा है और उसको लेटरल पेल्विक एब्डोमिनल सॉरी पेल्विक वॉल से अटैच कर रहा है, ठीक है। अगला है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, यूट्रस को सैक्रम से जोड़ रहा है, तो ये नीचे नीचे सैक्रम है और ये यूट्रस है, इनको आपस में जोड़ने वाला है नंबर चार, मतलब यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है। लास्ट में आ गया अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस से निकलता है, तो लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस से निकला आगे की तरफ गया और आगे जाके लेबिया मेजोरा में इसकी एंडिंग होती है, तो पूरा पाथ देखते हैं एक बार। तो डायग्राम तो मैंने बना दिया, डायग्राम भी समझ में आ गया कि सर ये आगे ऐसे जा रहा है लेटरल एंगल से, फिर और लेटरली मूव होगा, तो कैसे कैसे जा रहा है वो देखो। लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस से निकला, उसके बाद फॉरवर्ड मूवमेंट हुई और लेटरली, लेटरली क्यों जा रहा है, क्योंकि लेटरली होती है अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग, जब इंग्वाइनल रिंग पड़ी होगी तो उसमें ये पड़ा होगा कि ऐसे होती है इंग्वाइनल रिंग, ये डीप वाली जो होती है वो होती है, क्या बोलते हैं, ओवल शेप की होती है, ठीक है। तो लेटरली क्यों मूवमेंट कर रहा था, ताकि ये इसके अंदर एंट्री मार पाए, क्यों, क्योंकि इसको आना है फाइनली लेबिया मेजोरा के ऊपर आना है, तो लेबिया मेजोरा में अगर इसको एंडिंग होनी है तो इसको इतनी अंदर वाली स्ट्रक्चर से बाहर आना है, तो पहले से ऑलरेडी एक पाथ है, क्या है, इंग्वाइनल कैनाल, उसके थ्रू आना पड़ेगा, इसलिए ये मूव करता है लेटरल एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरल मूव किया और इसने ढूंढी डीप इंग्वाइनल रिंग, और उसके अंदर जब इसने एंट्री मारी तो फिर ये पूरी इंग्वाइनल कैनाल को इसने ट्रेवल किया, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू बाहर निकला और फिर वहाँ पर स्प्लिट हो गया न्यूमरस फाइबरस बैंड में और लेबिया मेजोरा के ऊपर मर्ज हो गया। तो दो होती हैं लेबिया मेजोरा, राइट लेफ्ट, तो दो होंगे राउंड लिगामेंट, राइट और लेफ्ट दोनों में जाके मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ से अपने पुत्र बोले तो फाइब्रोमस्कुलर या फिर मैकेनिकल सपोर्ट खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था पेरिनियल बॉडी की कितनी मसल होती हैं, 10 मसल, उनको याद करते हैं। उसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिसका नाम लिखा था मैंने लॉन्ग सुपर डीप LBS, लब्स, लब्स पंजाबी वर्ड है, लब्स, लब या फिर लब्स बोलते हैं प्लूरल में, तो लॉन्ग से लॉन्ग सुपर डीप लब्स, ऐसे ट्रिक बनाई थी, जैसी बनी वैसी बना दी यार। तो लॉन्ग से बना लॉन्गिट्यूडिनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल, अगली मसल सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी, डीप ट्रांसवर्स पेरिनी, ठीक है। नेक्स्ट मसल LBS लिवेट्रेनी, वही मसल है जो कि पेल्विक डायफ्राम वाली मसल थी, पेल्विक डायफ्राम में भी लिवेट्रेनी आई इधर भी। उसके बाद बल्बो स्पॉन्जेसिस और स्पिंटर एनी एक्सटर्नस, मतलब ये स्पिंटर के ऊपर एक मसल है, ठीक है, और ये बाद में इधर पेल्विक। तो ये मैंने ट्रिक बताई थी लॉन्ग सुपर डीप लब्स, तो उसे अपने फुल फॉर्म बनाई लॉन्गिट्यूडिनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी डीप पेरिनी, उसके बाद अब LBS से बना लिवेट्रेनी बल्बो स्पॉन्जेसिस और स्पिंटर एनी एक्सटर्नस, तो ये मसल याद रख लेना। उसके बाद अपन ने बात कर ली थी इन दोनों की, तो इतनी सी बात है, लेकिन ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को एक बार देख लेते हैं। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से तुम क्या समझते हो, डायग्राम तुम्हें याद है, मैंने जो यूट्रस का डायग्राम बनाया था उसी में ऐसे दो लेटरल फ्लैप डाल दो, वो यूट्रस का इसे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का डायग्राम बन जाएगा। बात करूं तो इसमें होते हैं दो सरफेस होते हैं सेम एज यूट्रस, लेकिन चार बॉर्डर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये नंबर में दो होते हैं, एक राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो चार बॉर्डर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया सुपीरियर, एक हो गया इन्फीरियर, एक हो गया लेटरल और एक हो गया मीडियल। मीडियल वाला किससे अटैच है, यूट्रस से अटैच है। लेटरल वाला किससे अटैच है, पेल्विक वॉल से अटैच है। ऐसे ही तो डायग्राम बनाया था मैंने, कि अपना जो ब्रॉड लिगामेंट है वो इस तरीके से पूरे हिस्से को ऐसे कवर किए बैठा है, ओवरी को भी अंदर ही कंटेन किए बैठा है। तो एक तरीके से ये साइड में किससे अटैच है, पेल्विक वॉल से, और इन्फीरियरली अपनी सर्विक्स और वजाइना से अटैच है, और सुपीरियरली ये एंड हो रहा है, मतलब पोस्टीरियर सर्फेस एंटीरियर सर्फेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सुपीरियरली ये हो गया, लेटरली ये हो गया, मीडियली हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो कंटेंट में क्या क्या आता है,
तो कंटेंट में खुद यूट्रस आ गई, यूट्रस आई, फेलोवियन ट्यूब आई, ओवरी आई, और इनको सप्लाई करने वाली वेसल्स आई, और इनके लिगामेंट्स आए, स्पेशली राउंड लिगामेंट आया, ठीक है, क्योंकि बाकी तो लगभग बाहर भी हैं। यूट्राइन ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब, उसके अलावा लिगामेंट ऑफ ओवरी आ गया, ओवेरियन आर्टरी, वही वेसल्स आ गई, इनकी नर्व प्लेक्सिस आ गया। तो ये सब बातें होती है प्रोटो लिगामेंट ऑफ यूट्रस के बारे में, और इसी के साथ अपना सपोर्ट ऑफ यूट्रस खत्म होता है और यूट्रस का टॉपिक भी।